ओटाकू व्हाट्स अप, वेलकम टू आवर चैनल स्टैंड एंड ओटाकू। तो आज हम रिव्यू करने वाले प्रिंसेस कनेक्ट रेड आई एनीमे का। लेकिन वीडियो देखने से लेकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में देखिए घंटी के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम एनीमे से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो देखते हैं क्या खासियत है एनीमे शो में, जिस वजह से आपको ये देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमे को अडेप्ट किया गया है सेम नेम के रोल प्लेइंग वीडियो गेम से, जिसे डेवलप किया है साई गेम्स ने। गेम से एनिमे में अडेप्ट किया है साई गेम्स की ही सब्सिडरी कंपनी साई गेम्स पिक्चर्स ने, जिसने इससे पहले 2019 मिस्टीरियस फ्रेंड्स एनिमे को भी अडेप्ट किया था, पर वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका। इसके अलावा स्टूडियो ने ब्लेड रनर ब्लैकआउट 2020 15 मिनट के शॉर्ट एनिमे को भी प्रोड्यूस किया है। एनिमे को डायरेक्ट किया है ताकोमी कानासाकी ने, जिन्होंने इस दिशा जॉम्बी एनिमे सीरीज, कोनोसुबा एनिमे सीरीज, स्कूल रंबल सेकेंड सेमेस्टर और टोक्यो रेवेंस जैसे फेमस एनिमे शोज को डायरेक्ट किया है। एनिमे में टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने होने वाले हैं ये रिवील नहीं किया गया है। एनिमे को गेम के सीक्वल से अडेप्ट किया गया है। एनिमे का प्लॉट फॉलो करता है यूकी को, जिसे कोई अहमद नाम की लड़की हवा से ज़मीन में भेजती है, और यूकी को गाइड करने के लिए पहली मेन कैरेक्टर एल्फ गर्ल कोकोरो को भेजती है। यूकी को होश आते ही वो कोकोरो को अपना नाम बताता है, इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं है। अपनी जर्नी में उन्हें यूकी की तरह ही ह्यूमन गर्ल मिलती है, जो खाना बनाने में भी एक्सपर्ट है और खाना खाने में भी, साथ ही वो काफ़ी स्ट्रांग भी है, जिसके स्वॉर्ड दो लोग चुरा लेते हैं उसे बेवकूफ़ बना के, जो उसके मॉम डैड ने उसे दी थी। बावजूद इसके वो उन दोनों को चोर ही नहीं समझती। कोकोरो उसका नाम पेकोरिन रखती है। पेकोरिन की जान के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है कैट गर्ल कैरिल, लेकिन हर बार वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाती है, जिसमें उसकी मदद पेकोरिन, यूकी और कोकोरो करते हैं। बार बार एक दूसरे से मिलने पर कोकोरो पेकोरिन और कैरिल के साथ गिल्ड स्टार्ट करने के लिए बोलती है, जिसके जवाब में पेकोरिन तो हाँ बोल देती है पर कैरिल मना कर देती है। हालांकि बाद में वो उनके गिल्ड को ज्वाइन कर लेती है, जिसके पीछे भी उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। पेकोरिन गिल्ड का नाम गोरमेट एडिफिस रखती है, जो खाने से रिलेटेड है, जिसके बाद वो अपने गिल्ड हाउस में जाते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई पड़ी रहती है, पर वो चारों उसको नया जैसा बना देते हैं। एनिमे का एनिमेशन अच्छा है, आर्ट स्टाइल भी अच्छा है, खासकर जब भी एनिमे में मैजिक यूज़ होता है तो वो देखने में अच्छा लगता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट एवरेज है, क्योंकि कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी लगते हैं। वॉइस एक्टिंग भी सभी एक्टर्स की अच्छी है, खासकर यूकी के कैरेक्टर की, जिसे सुनकर सच में ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ओपनिंग सॉन्ग लॉस्ट प्रिंसेस, जिसे गाया है MAO मिकू इटू रिका ताचिबाना ने, इम्प्रेस नहीं करता। वहीं एंडिंग सॉन्ग सोरे डेमो तोमोनी एरियोटे इको, जिसे भी इन तीनों ने गाया है, खास नहीं है। बात रही बैकग्राउंड म्यूजिक की, वो भी डिसेंट है। एनिमे की स्टोरी इसका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। सबसे पहले तो हमें ये ही नहीं पता कि यूकी एक फैंटेसी वर्ल्ड में या फिर किसी गेम में, हालांकि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी गेम में होने की है। फिर एनिमे की स्टोरी कोई मीनिंगफुल सेंस भी नहीं बनाती है, खासकर यूकी का पास्ट ना बताकर, जिसकी झलक उसे थोड़े टाइम के लिए दिखती है, जिसके चलते वो पहली बार मैजिक यूज़ करता है। हालांकि ये एनिमे बोर भी नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये भरपूर एंटरटेनमेंट करता है। खैर, आगे चल के हमें यूकी से जुड़े राज भी जानने मिलेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस एनिमे को एक ट्राई तो देख ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ में दिए गए घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।